ले भी दोस्तों आज तुमने बढ़िया चीज दिखाऊंगा। बुआनी खेड़ में साफ सफाई का अभियान शुरू होने लग रहा है, ठीक है। डेरा सच्चा सौदा के जो प्रेमी है वह देख रहे होगे आप, मैनेजमेंट करने लग रहा है। उरन मेरी माता बहन यार ये बुहारी ठाक ठाक है, सब साफ सफाई का काम करेंगे भाई, बने रहियो वीडियो में। पांच साल बाद पूजा गुरु जी के साथ मनाने की खुशी में हरियाणा की साथ संगत 21 जिलों की 135 तहसीलों सहित सारे गांव में ये सफाई महाअभियान आज कर रही है, पहुंचे हुए हैं, साथ संगत के साथ सहयोग कर रहे हैं और बहुत बढ़कर कर साथ संगत पूरी तन्मयता के साथ सफाई अभियान में जुट गई है। तो ये बहुत खुशी का ये अवसर कि 104वां पावन पवित्र अवतार महा पावन अवतार दिवस सिद्ध प्यारे पूजा हजूर जी के साथ मनाने का अवसर मिला। पूजा गुरु जी ने सभी को इशारा किया है कि आप भी सभी स्थल में जुट गए और यहाँ पर टाइम रहेगा वो सुबह 11 बजे रहेगा जी, 25 जनवरी को 11 बजे तक आना शुरू हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना जी, लंबे लगातार आश्रम को साफ कर लेंगे और वहां शुरू हो गए। तो कोई बात करना चाहते हैं आप बात कर लीजिए, बोला जो भी आए हैं आप सबका फिर से सत्कार साथ संगत शुरुआत कर दी है, शायद समझना शुरू होगी तो लग जाए रुको मत, बात करने वाले बात। सफाई का महाअभियान पूरे राज्य में चल रहा है, ये सफाई का महाअभियान नहीं एक हवन है जिसमें हम सब ने अपनी अपनी आहुति डालनी है। वैसे तो प्रशासन अपने स्तर पर सफाई के लिए बहुत प्रयास करता है और आपके, लेकिन आप लोगों को शामिल करके हमने आम जन में एक संदेश पहुंचाना है कि जो हम स्वच्छता प्रदान करके आपको जाएंगे उस आम जन ने उस स्वच्छता को बनाए रखना है। ये नहीं है कि आप लोगों ने स्वच्छता जो बना कर दी है वो आम जन उस 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद उस स्वच्छता को छोड़ दे। तो इस कार्य को पूर्ण करने के लिए पूरे शहर को 4 जोन में बांटा गया है और जो भी आपके जिम्मेवार जो जिम्मेवार भाई हैं आपके जितने भी उसको 4 जोन में बांट दिया और जो हमारे साथ की टीम में है आपके साथ लगेगी और इस काम को करेंगे। दन दन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सबसे पहले मैं सात संघ को प्रणाम करता हूँ, हर जीव के अंदर वो परमपिता परमात्मा का अंश है, सभी आप लोगों को प्रणाम और तय दिल से धन्यवाद करता हूँ सात संगत का जो मेरी बुआनी खेड़ा के हर गली में कुचड़ में जो कचरा साफ करने के लिए आप लोग आए हो इसके लिए मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। और साथ साथ आप लोगों को एक संदेश और देना चाहता हूँ, अगले महीने से एक आपका सहयोग चाहता हूँ मैं, एक नशा मुक्ति के ऊपर भी आप लोगों की मैं पूरे शहर में रैली लगवाना चाहता हूँ, घर घर में संदेश दिलाना चाहता हूँ और एक पॉइंट और भी लिया है मैंने, मैं कभी कभी बीमार होने के नाते की डॉक्टर ने सलाह दी थी कि भाई तू कभी रम का पैक बांध लिया कर, मैं आज के बाद कोई भी रम या विस्की नहीं पीऊंगा भाई। साथ साथ आज हमारे सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उस कवि उपलक्ष्य में आप लोगों का मैं उपलक्ष्य में आप लोग भी आज शुभकामना देता हूँ। शुभकामना के साथ साथ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमारे ब्लॉक के अंदर 27 गांव है, 27 के 27 गांव में आज सफाई अभियान चल रहा है, 4 गांव जोन में जो बांटा गया है तो आपकी हमारे को 200 बंदे आपके ऐसे दो जो जहां जहां जोन बनाए उसमें हमारी संगत कितनी कितनी आपके साथ वहां पे भेजनी है। सफाई अभियान का अंजाम देना है, किसी भी तरीके की शरारत ना हमने खुद करनी है ना दूसरों को करने देनी है। ऐसी कोई भी बात अगर आपको पता लगे आपके जिम्मेदार जो आपके पदाधिकारी हैं या प्रशासन के अधिकारी हैं उनको तुरंत बताएं, लेकिन पूरा अभियान अनुशासन
शांति व्यवस्था के साथ बनाए रखे ताकि किसी और को भी परेशानी ना हो। साफ सुथरा रखने का एक निर्णय लिया। हालांकि हमारे को राष्ट्रपति महोदय ने भी स्वच्छता में पुरस्कार दिया है, लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं जो भविष्य में पूरी कर दी जाएंगी। और जो आपका सहयोग मिलेगा उसके साथ सचिव महोदय ने जैसा बताया कि जन जन में ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी है। ये सफाई अभियान एक दिन के लिए होता है, लेकिन हमको जब तक जनता अपने लेवल पे जागरूक नहीं होती ये चीजें कामयाब नहीं होती, केवल इवेंट बन के रह जाती हैं। तो हमने ये प्रयास करना है जन जन तक ये बात पहुंचे कि ये केवल सफाई अभियान का एक फोटो खिंचवाने वाला या दूसरा इवेंट बन के ना रहे। लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती भी करनी है कि माताएं बहने आगे से ये कचरा गलियों में नालियों में ना डाले, अपने घर डस्टबिन रखे। जब भी नगर पालिका की गाड़ी आए, गाड़ी वाले माइक लिए हुए हैं, उनको पता चल जाता है, तो वो कचरा सारा उसमें डालेंगे तो कोई कारण नहीं है। इंदौर जो शहर पूरे भारत में बस जाता है उसका एक ही कारण है, वो लोग बताते हैं कि हमारा हर आदमी इस अभियान में शामिल है। तो हमको भी सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए और गुरु जी ने इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दोस्तों, देख सको तो हम डेरा सच्चा सौदा के जो प्रेमी हैं वह सारे जने उठ के चाल पड़े हैं, सब बदगाम में बुहारी काट देंगे भाई। देखो मोदी का भी यो अभियान है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ठीक है, तो इसमें तो कोई बुराई को नहीं भाई। सारी साथ संगत पीछे चले जाओ, पीछे एक साइड में को, एक साइड में को, किसी ने रोड पे निकल छत्ती भाई है, छत्ती भाई और अड़ंगा, योर अड़ंगा भाई। ले भाई दोस्तों, देख सको हो कितना बढ़िया मैसेज जान लग रहा है गांव वाला, हर घर में चाची ताई बहन बेटी सब तो मैं कहूँ भाई सफाई का तो देखो निरंतर प्रयास कराया करो और भाई सफाई का ध्यान रखा करो, अपने अपने घर में भी साफ सफाई जरूरी है। देख लो ये आदमी कितनी दूर दूर तक कभी हुआ नहीं, खेड़ गांव में गलिया में सफाई करने लाग दी, हर लुगाई है मेरी माता बहन है, ठीक है। यो मैसेज तो हम देखो कितना तगड़ा है, डूब का मरो जो कचरा आपका घर का बाहर आग गे रहा है, नालिया में बुआ दे गोबर ती बुआ दोस्तों नालिया में, आपा निशा नहीं करना चाहिए, आपा ना अभी स्वच्छता का भाई बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए बहुत, क्योंकि स्वच्छ अगर सब कुछ होगा तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। देख लो बूढ़े बूढ़े भी आदमी भी काटने लाग रहे हैं दोस्तों, भाई भवानी खेड़ा में जो झील बन रही है उस झील में जान लाग रहे हैं झाड़ू काटने। देख लो दोस्तों एक एक कोना कवर करे है मेरी माता बहने, कितनी कितनी मेहनत का काम है देख लो दोस्तों, लेकिन निस्वार्थ जो भावना है प्रेम की भाई साफ सफाई की उसमें देख लो सारे एकजुट हो रहे हैं। आज कितनी कितनी लेडीज आपने दिख रही होंगी, देख लो दोस्तों छोटा बालक भी गुहारी खा रहा है, बड़े बड़े डूब का मर जाओ तो हम देख ले बालक भी गुहारी काटने लगे।
देख लो भाई दोस्तों, या बुआनी खेड़े की झील है, झील पर देख कितनी मेरी माता बहने सारी आ रही है, बूढ़ी बूढ़ी मेरी दादी भी बुहारी काटन लाग रही है। देख सको तम कितना बढ़िया मैसेज जा रहा समाज थी भाई, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा करो दोस्तों। दोस्तों बुआनी खेड़ा झील है यार, देख सको तम कितनी शुद्ध और पवित्र झील है। नुका है इस पर करोड़ रुपया लग गया है, इज्जत दी कोनी है।